आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शनिवार की रात 8 बजे शुरू होने वाले 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू को लेकर लोग सतर्क नजर आए। कर्फ्यू शुरू होने से पहले शनिवार की शाम हर कोई सब्जी, दूध, दवा समेत जरूरी सामान की खरीदारी करते हुए नजर आए, जिसके बाद 8 बजते ही सारा बाज़ार बंद हो गया। यही आलम रविवार की सुबह से पूरे दिन देखने को मिला। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर से लेकर देहात तक प्रमुख चौराहों, बाजारों, सड़कों पर भ्रमण कर कर्फ्यू का पालन कराते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम द्वारा रविवार सुबह 9 बजे घंटाघर से पूरे महानगर के लिए सैनिटाइजेशन का महाअभियान शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की, जिसके बाद निगम के 2 दर्जन से अधिक वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड के वाहनों ने भी अभियान में भागीदारी की, जिसके बाद नगर में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। उन्होंने
विशेष अभियान चलाया है सैनिटाइजेशन का। सरकार का ये आदेश था कि लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन और सफाई व्यवस्था की जाए। आज पूरे शहर का लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। मेन मेन मार्केट है, मेन मेन स्थान है, बड़े बड़े जो स्थान हैं उनका हम लोग सैनिटाइजेशन और सफाई का विशेष अभियान चला करके इस कोरोना की जो लड़ाई है उस लड़ाई का जो साइकोलॉजिकल वार है कि लोगों को समझाना कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, ये भी हम लोग संकेत देना चाह रहे हैं। तो इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा और लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। और इसके अलावा कहीं पर भी किसी को भी कोई समस्या है वो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में आकर के फ़ोन के माध्यम से ही बता दें। इसके अलावा हम लोगों ने आज टेली मेडिसिन भी शुरू की है कि घर बैठे लोग भी परामर्श करके दवा की जानकारी ले सकते हैं कि अगर उनको कोई लक्षण दिख रहे हैं या कोई भी परेशानी है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।